हे फूडीज, वेलकम टू स्वीट फीलिंग्स। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी, चॉकलेट पेड़ा, जो कि आप सेम टेक्सचर और सेम टेस्ट में बनाएंगे घर पे, जो आप बाहर से अक्सर लेते हैं। चलिए रेसिपी देखते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस एनी ऑफ माय अपडेट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ 1.5 टेबलस्पून ऑफ घी लिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद हम खोया ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 100 ग्राम्स ऑफ मावा यानी खोया लिया है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसके जितने भी लम्ब्स हैं इसे हम बस तोड़ देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए हम सेक देंगे। अगर आपका मावा काफ़ी सख्त है तो पहले इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए और इसके बाद इस्तेमाल करिए। इसे लगातार चलाना है, हमें खोया नीचे लग ना जाए इसीलिए हमें इसे चलाते रहना है। इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए सेक लें। आप मेरे चैनल पे दूसरे भी मिठाई की रेसिपी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है और ऊपर भी आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 80 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क। मैंने यह कंडेंस मिल्क लिया है, अगर आप चाहें तो इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल भी लम्ब्स न रहे इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करते टाइम भी आप जितने भी लम्ब्स हैं इसे निकाल दीजिए। साथ ही में मैंने 3 टीस्पून्स ऑफ कोको पाउडर ऐड किया है। ध्यान रहे, अगर आप डार्क कोको पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा कम यूज़ कीजिए। सारी चीज़ों को बस अच्छे से मिक्स करते रहना है। इसे तब तक चलाना है जब तक ये पूरा मिक्सचर एक गोले में ना बदल जाए और पूरा फ्राई पैन इसकी साइड्स को छोड़ दे, तब तक इसे चलाते रहना है। ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी में इसे लाना है। अब ये बिल्कुल रेडी है तो हम गैस को ऑफ करके इसे नीचे उतार लेंगे। मैं यहाँ 2 ड्रॉप्स चॉकलेट एसेंस के ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड कर लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हल्का सा गर्म है तो हम इसके पेड़े बनाना शुरू कर देंगे। आपने देखा कितनी झटपट से ये पेड़े तैयार हो गए, वो भी बिल्कुल बाहर मिलने वाले पेड़े की तरह है। तो अब आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको कैसे लगे। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना भूलिएगा नहीं।